हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्मेसी सेवन सेमेस्टर वालों का इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट थ्री। यूनिट वन और यूनिट टू हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से पढ़ के टोटल कम्प्लीट कर दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेना, प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आपको आसान तरीके से मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट थ्री। यूनिट थ्री में दो चैप्टर हैं और इसमें हमारा दो लेक्चर लगेगा। पहले वाले लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे टोटल और टोटल रेगुलेटरी अफेयर, जिसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री पूरा का पूरा बात करेंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में बात करेंगे, रोल क्या होता है रेगुलेटरी अफेयर एंड डिपार्टमेंट का, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल का। तो चार से पाँच टॉपिक है, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ के टोटल कंप्लीट करेंगे। और लेक्चर को पूरा देखना आपका, इसी लेक्चर में ये सभी टॉपिक यहीं पे आपका तैयार हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बस यही कहूँगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं रेगुलेटरी अफेयर दोस्तों क्या होता है। रेगुलेटरी अफेयर जो होता है इसे हम लोग हिंदी में रेगुलेटरी को क्या कह सकते हैं, नियंत्रण करना। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है, नियंत्रण करना। अफेयर का मतलब समझ लीजिए मामला। तो ये क्या होता है रेगुलेटरी अफेयर को, सबसे पहली बात तो ये है गवर्नमेंटल अफेयर भी कहा जाता है, ठीक। तो ये क्या होता है, आसान तरीके से समझेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा। रेगुलेटरी अफेयर या फिर कहिए गवर्नमेंटल अफेयर एक ऐसा व्यवसाय होता है जो कि नियंत्रण करते हैं इंडस्ट्रीज में, ठीक। जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गए, ठीक, एनर्जी हो गए, मेडिकल डिवाइस हो गए एंड बैंकिंग हो गए। तो ये जो होते हैं, हम लोग को बात करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ये क्या क्या रेगुलेट करते हैं, ठीक, किन किन चीज़ों को नियंत्रण करते हैं। नियंत्रण करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग सिंपल अफेयर का मतलब समझ लीजिए। जैसे कि आप लोग के लैंग्वेज में बताऊँ, जैसे कि मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक, ये कोई क्या हो गया लड़का है, और ये कोई उसकी हो गई है, ये कोई उसकी कौन है जीएफ है। यहाँ पे आप लोग के भाषा में थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ जिससे आप लोग इसके बारे में कभी भी ना भूलें, ठीक। तो ये कोई लड़का है, ये कोई लड़की है। अब ये दोनों में क्या चल रहा है, अफेयर चल रहा है, ठीक, दोनों में अफेयर चल रहा है। तो ये इसका देखभाल करेगा, ये कुछ गलत चीज़ खा नहीं रही है ना गलत चीज़ पहन रही है, या फिर कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, और ये इसका देखभाल करेगी, मतलब ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ का अफेयर चल रहा है, तो दोनों चीज़ आपस में क्या होते हैं, रेगुलेट होते हैं, दोनों चीज़ नियंत्रण होते हैं कि मतलब ये कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए बस बता दिया हूँ, इस पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें बात करना है कि रेगुलेटरी अफेयर में कौन कौन चीज़ को रेगुलेट किया जाता है, किस में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, वो हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। रेगुलेटरी अफेयर, रेगुलेटरी अफेयर में क्या क्या चीज़ें को ये देखभाल करते हैं कि मतलब सही चीज़ों से हो रहा है कि नहीं, ये केवल इंडस्ट्रीज में कंपनियों में बड़े बड़े होते हैं, ये समझिए एक तरीके के पुलिस होते हैं जो कि इंडस्ट्रीज में सभी चीज़ों का क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, कोई भी इल्लीगल वर्क नहीं ना हो रहा है, यही सब चीज़ों का देखभाल करना क्या होता है, रेगुलेटरी अफेयर। जैसे कि मान लीजिए क्वालिटी एश्योरेंस का चेकिंग करते हैं, मैनेजमेंट देखा जाता है सही से है कि नहीं, उसके बाद लाइसेंस है कि नहीं इनके पास कि वैसे ही खोल दिए हैं, डेवलपमेंट देखा जाता है, ठीक, सप्लायर देखा जाता है क्या क्या मतलब सप्लाई कर रहे हैं, ठीक, क्लिनिकल देखा जाता है इनका, मैन्युफैक्चरिंग देखा जाता है किस तरीके से कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रहा है, ठीक, लाइसेंसर देखा जाता है, कस्टमर देखा जाता है किस तरीके से इनके कस्टमर यहाँ पे हैं, ठीक, मार्केटिंग में कैसे किया जाता है, मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, क्वालिटी को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है यहाँ पे, ये देखा जा रहा है, यहाँ पे लीगल काम हो रहा है कि नहीं, कि इलीगल वर्किंग हो रहा है, ये सब चीज़ों को देखभाल, ये सब चीज़ों को नियंत्रण करने का काम जो होता है किसका होता है, रेगुलेटरी अफेयर का। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती है, बोलते हैं इसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज, मतलब नियंत्रण करने का एक अधिकार होता है जो कि ये सभी चीजों का देखभाल करते हैं इंडस्ट्रीज में। किस तरीके से लिखना है अभी आप लोग को दिखाता हूं, टोटल आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट तो भाग जाते हैं, हैंड रिटन नोट्स नहीं है। एक बार आप समझ जाएंगे, आपको नोट्स बहुत ही आसान लैंग्वेज में प्रोवाइड करूंगा आपके अपने सपोर्टिंग आप फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है आसान तरीके से, इसीलिए आप लोग पहले एक बार देख लीजिए, ना समझ में आए तो बताइएगा। मैंने आप लोग को क्या बताया, रेगुलेटरी अफेयर को गवर्नमेंटल अफेयर भी कह सकते हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय होता है जो रेगुलेट करता है इंडस्ट्रीज में।
जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एनर्जी, मेडिकल डिवाइस, बैंकिंग, ठीक, ये सब क्या होते हैं, रेगुलेटरी अफेयर होल्ड ए प्राइसेस, ये क्या करते हैं, होल्ड करते हैं प्राइसेस, मीनिंग क्या होगा, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, मेडिकल डिवाइसेस, ठीक, ये सब चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप लोग एक से दो पॉइंट में पढ़ लेंगे तो टोटल समझ में आ जाएगा। मेडिकल डिवाइसेस हो गए, बायोलॉजीज हो गए, उसके बाद फार्मास्यूटिकल एंड फंक्शनल फूड में ये क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सभी कंपनी में क्या किया जाता है, ये रेगुलेटरी अफेयर लगाया जाता है कि मतलब देखभाल करें वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है, कहीं इलीगल काम नहीं ना हो रहा है, कुछ गलत चीज़ों को मिक्स करके तो नहीं ना बनाया जा रहा है, वो सभी चीज़ों का देखभाल करने के लिए रेगुलेटरी अफेयर आया। ठीक, इसमें देखिए सिंपली आप लोग समझिए कि रेगुलेटरी अफेयर जो होता है किन किन चीज़ों का देखभाल करते हैं, एकदम आसान तरीके से कॉलम में बना है, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होता है, एक अधिकार होता है, तो यही बताया हूँ ना, क्वालिटी एश्योरेंस हो गए, मैनेजमेंट हो गए, लाइसेंस है कि नहीं, डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा रहा है, सप्लायर देखा जाता है, क्लिनिकल देखा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रहा है, लाइसेंसर देखा जाता है, कस्टमर कैसे हैं, मार्केटिंग कैसे हो रहा है, क्वालिटी को कंट्रोल किस तरीके से किया जा रहा है, लीगली बन रहा है कि लीगली हो रहा है काम, यहाँ पे सब चीज़ों का काम का देखभाल कौन करते हैं, रेगुलेटरी अफेयर, ये सब चीज़ों का नियंत्रण रेगुलेटरी अफेयर करते हैं, बस यही आपको इतनी बातें जानना है। ये इंट्रोडक्शन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के भी बहुत काम आएगा, इसीलिए टोटल डिटेल आप लोग को दिखा दिया हूँ, जिससे चार्ट आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इंट्रोडक्शन हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, तो बात करेंगे हिस्ट्री ओवरव्यू ऑफ रेगुलेटरी अफेयर। तो देखिए 20वीं सेंचुरी में इंडिया में ड्रग इंडस्ट्री जो है स्टार्टिंग स्टेज मतलब शुरुआती में ये आया था, उसके मेजोरिटी ऑफ द ड्रग वेयर इंपोर्टेड फ्रॉम द अदर कंट्रीज, द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रग इमिशनी इंक्रीज आफ्टर द, ये इंक्रीज हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। देखिए इसमें बहुत सारे एक्ट आए थे और ये सभी एक्टों के बारे में आप लोग को यहाँ पे देख के डर रहे होंगे कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे, सिंपली आप लोग को पढ़ना है कि 1900 से 1960 में गवर्नमेंट ने पास किया था पॉइजन एक्ट 1919 ईस्वी में, और इनका काम क्या था, ये कंट्रोल करते थे मार्केट में जो चीप ड्रग थे उनको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हमारा एक ड्रग आया डेंजरस ड्रग एक्ट, ठीक, दूसरा जो हमारा एक्ट आया था वो कौन सा एक्ट आया था, डेंजरस ड्रग एक्ट आया था 1930 ईस्वी में, ये एक्ट हमारा पास हुआ था। 1919 में हमारा पॉइजन एक्ट पास हुआ था, इसके बाद हमारा ये एक्ट पास हुआ है, जिनका काम क्या होता है, कल्टीवेशन ऑफ ऑप्टिमम प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसन ऑप्टिमम ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक, ट्रांसशिप एंड सेल। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब आप लोग को समझ में आ रहा है, मतलब मान लीजिए हमारे देश में कोई दवा बना, ठीक, और ये दूसरे देश में सेल हो रहा है, मतलब दूसरे देश में भी इसका प्रोसेस जा रहा है और दूसरे देश का सामान अपने देश में भी आ रहा है, ठीक, ये हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसशिप सेल, ठीक, ट्रांसशिप एंड सेल। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि किस तरीके से हमें हिस्ट्री तैयार करना है, तो देखिए हमने आप लोग को क्या बताया, सिंपली पहले हम लोग पॉइंट में बात किया है कि 1960 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक एक्ट पास किया है, कौन एक्ट है, पॉइजन, 1919 में गवर्नमेंट ने पॉइजन एक्ट पास किया है, राइटिंग मत देखिएगा, आप लोग को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक, 1919 में पॉइजन एक्ट कौन सा पास किए थे, पॉइजन एक्ट पास किए थे 1919 ईस्वी में। अब इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, इनका काम है कंट्रोल करना चीप ड्रग, चीप ड्रग जो मार्केट में होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट आया था। उसके बाद हमारा, इसके बाद जो दूसरा एक्ट आया था वो कौन था, एक्ट आया था वो है डेंजरस ड्रग एक्ट, ठीक, 1930 ईस्वी में आया था, ठीक। अब इनका काम क्या था, इनका काम ये हमारा आया था 1930 ईस्वी, 1919 पॉइजन एक्ट के बाद ये एक्ट आया था, वो बस थोड़ा सा आप लोग को बताया हूँ जिससे याद करने में आप लोग को आसानी हो। मेन मेन पॉइंट आपको तैयार करना है कि 1919 ईस्वी में पॉइजन एक्ट आया था जो कि कंट्रोलिंग आप चीप ड्रग मार्केट में, चीप ड्रग को कंट्रोल करने के लिए आया था। उसके बाद हमारा डेंजरस ड्रग एक्ट आया था, पास हुआ था, ठीक, जो कि किसके बाद आया था, पॉइजन एक्ट के बाद आया था 1919 ईस्वी का। इनका काम क्या होता है, किस लिए आए थे, यहाँ पे लिखे गए। उसके बाद हमारा क्या था, नार्कोटिक एंड फिजिकोट्रॉपिक एक्ट, हमारा ये कौन सा एक्ट पास हुआ था 1950 ईस्वी में,
ये हमारा डेंजरस ड्रग के बाद 1930 ईस्वी के बाद ये हमारा एक्ट पास हुआ था। इनमें बहुत सारे एक्ट इनके अंदर आए थे, जैसे 1930 के बाद 1985 तक इसके बीच में कौन कौन से एक्ट पास हुए थे, जैसे कि इसमें सबसे पहला हमारा एक्ट पास हुआ था ड्रग एंड कॉस्मोटिक एक्ट 1940 ईस्वी में। ये एक्ट पास हुआ था किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्ट, प्रोडक्शन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक एंड सिद्धा ड्रग, ये सभी को कंट्रोलिंग के लिए ये हमारा ड्रग एंड कॉस्मोटिक एक्ट 1940 ईस्वी में पास हुआ था। ये आप लोग को की पॉइंट तैयार करना, ये सभी की पॉइंट हैं जो थोड़ा सा इसमें बोल्ड करके लिख दिया गया है, इसको आसान तरीके से आप लोग को तैयार करना है। पूरा थ्योरी रटने नहीं बैठना है, बस आपको मेन मेन पॉइंट पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने बात किया है कि कौन सा पहले पॉइजन एक्ट पास हुआ, उसके बाद डेंजरस ड्रग एक्ट पास हुआ, उसके बाद नारकोटिक एंड फिजियोट्रॉपिक हमें हमारा 1985 ईस्वी में बहुत सारे एक्ट पास हुए हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा ड्रग एंड कॉस्मोटिक एक्ट 1940 में पास हुआ था, जो कि कंट्रोल करता है इम्पोर्ट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ यूलान, एलोपैथिक, यूनानी, होम्योपैथिक एंड सिद्धा, ये सभी को क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट पास हुआ। उसके बाद नारकोटिक एंड फिजियोट्रॉपिक एक्ट में हमारा दूसरा एक्ट जो है वो पास हुआ था ड्रग एंड कॉस्मोटिक रूल्स 1945 ईस्वी में। इस रूल के अंदर क्या होता है, दिस रूल अंडर एंड कॉस्मोटिक एक्ट कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन आयुर्वेदिक ड्रग फॉर सेल, आयुर्वेदिक ड्रग के प्रोडक्शन सेल के लिए क्या कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया, एंड नॉट फॉर द कंजक्शन यूज फॉर द प्रोसेशन, ठीक, इसको बोल सकते हैं आर प्रोसेशन, ये एक्ट पास हुआ। उसके बाद हमारा एक एक्ट और पास हुआ, फार्मेसी एक्ट 1948 ईस्वी में। दिस एक्ट वाज लास्ट अमेंडमेंट 1946 एंड ये कंट्रोल करता है फार्मेसी प्रोसेशन इन इंडिया को, ठीक। उसके बाद हमारा एक एक्ट और पास हुआ, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज रूल्स, इसमें क्या होता है, ये रेगुलेट करते हैं एडवर्समेंट ऑफ ड्रग इन इंडिया। उसके बाद एक एक्ट और हमारा पास हो गया तुरंत, ड्रग एंड प्राइसेस कंट्रोल आर्डर 1955 ईस्वी में, DPCO इसको शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं, ठीक। तो ये इतने एक्ट हमारे नारकोटिक एंड किस में पास हुए हैं, नारकोटिक एंड फिजिकोट्रॉपिक में, ठीक। उसके बाद हमारे कुछ और भी इसमें पास हुए हैं एक्ट, ये एक्ट के बारे में आप लोग को थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लोग को पढ़ना है, ज़्यादा इसमें रटने की आवश्यकता कुछ नहीं है। एक बार वीडियो को रोक करके ये नोट्स आप पढ़ लेंगे, आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। इसमें देखिए हमारे 1970 से 1980 के बेस में हमारे कुछ एक्ट पास हुए हैं, जैसे कि हमारा इंडियन पेशेंट एक्ट 1970 में पास हुआ, उसके बाद ड्रग प्राइसेस कैप्ट पास हुए हैं, लोकल कंपनी बिगेन टू दी एन इम्पैक्ट पास हो गए हैं, उसके बाद 1990 ईस्वी में हमारे कुछ एक्ट पास हुए हैं, 1990 से 2000 में कुछ एक्ट पास हुए हैं, ठीक। 2000 से लेकर के 2010 में भी कुछ एक्ट पास हुए हैं, जैसे कि पेशेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 में पास हुआ, कंपलसरी लाइसेंस होना जरूरी है तभी आप कुछ काम करेंगे, ये भी एक्ट हमारा पास हुआ, बिना लाइसेंस के आप कुछ काम नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसे से रिलेटेड बहुत सारे एक्ट इसमें पास हुए हैं, एक्ट के बारे में नोट्स शेयर कर दूंगा, वहां पे आप लोग पढ़ लेंगे, टोटल तैयार हो जाएगा। हम लोग को बात करना है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के बारे में। हिस्ट्री समझ में आ गया ना आप लोग को, कि इसमें केवल एक्ट के बारे में पढ़ना है, बहुत सारे एक्ट पास हुए हैं और एक्ट किस लिए पास हुए हैं, किसको कंट्रोल करने के लिए पास हुए हैं, दोस्तों बस आप लोग को वही जानना है। और एग्जाम में पूछता है तो मेन मेन पॉइंट को लिखना है, रटना नहीं है कि एक एक पॉइंट को लिख के हम लोग पढ़ें कि CDSCO पास डायरेक्शन फॉर द इंडस्ट्रीज फिक्स्ड डोज कंपेंसेशन, तो ये आप लोग को नहीं पढ़ना है, मेन मेन पॉइंट आपको पढ़ना है कि इस एक्ट में क्या पास हुआ है, किस लिए पास हुआ है, क्या काम था, ये बस आपको पढ़ना है। रेगुलेटरी अथॉरिटीज में क्या होता है, देखिए रेगुलेटरी अफेयर जो होता है, जो इंडस्ट्रीज में सभी चीज़ों का नियंत्रण करते हैं, रेगुलेटरी अफेयर के वर्क को ही आप लोग सिंपली रेगुलेटरी अथॉरिटी कह सकते हैं, और इस अथॉरिटी का अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम होता है, ठीक। रेगुलेटरी अफेयर जो होता है इसका अलग अलग कंट्री में, अलग अलग देशों में इसका अलग अलग नाम होता है, जैसे कि चलिए जान लेते हैं, आप लोग के मन में आया अलग अलग नाम होते हैं तो क्या नाम होता है, तो चलिए जानते हैं। देखिए सम कंट्रीज एंड देयर रेगुलेटरी अथॉरिटीज, देखिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के नेम दिए गए हैं और यहाँ पर देशों के नेम दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहला हमारा USA हो गया, इसका नाम क्या होता है रेगुलेटरी अफेयर में, USA में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA बोलते हैं। UK में क्या होता है, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, थेरेप्यूटिक गुड एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट वर्ड में TGA बोलते हैं,
ठीक, इंडिया इंडिया के बारे में जानना जरूरी है। तो क्या बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तैयार कर लेना आप लोग। कनाडा में क्या बोला जाता है, हेल्थ कनाडा बोला जाता है, यूरोप में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी बोला जाता है। इसी तरीके से सभी कंट्री के नेम और उसके मतलब कंट्री का नाम और उसका क्या नाम है रेगुलेटरी अफेयर का अथॉरिटी का, वो सब नेम आपके एक टेबल में बना करके लिख दिया गया है। वीडियो को रोक करके इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, आप लोग अभी तुरंत अपने कॉपी में बना लीजिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रोल ऑफ रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट, क्या रोल होता है। रेगुलेटरी अफेयर डिवीजन ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी अकाउंटेबल फॉर द प्रोसेसिंग प्रोक्योरिंग द अप्रूवल ऑफ फॉर न्यू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड गारंटिंग दैट द अप्रूवल रिटेन टिल टाइम कंपनी वांट मार्केट प्रोडक्ट एंड इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द रेगुलेटरी एजेंसी टू प्रोटेक्ट टीम एंड इट इज मीडियम कम्युनिकेशन विद द रेगुलेटरी एजेंसी एज ए प्रोडक्ट कंटिन्यू विद द ऑब्जेक्टिव टू कंफर्म दैट प्रोडक्ट प्लान प्रॉपरली प्रोसीड व्हाट द रेगुलेटरी एजेंसी विल नीड प्रोडक्ट अप्रूवल। मतलब किसी चीज को ये देखते हैं किस तरीके से कोई चीज़ बन रहा है। रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का रोल क्या होता है, ये कंपनी में देखते हैं कोई चीज़ कैसे बन रहा है, ठीक, और क्या क्या चीज़ लेकर के बना रहे हैं, कहीं गलत चीज़ लेकर के नहीं बना रहे हैं, और कोई नए चीज़ बना रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा अप्रूवल लिया जाता है। अब अप्रूवल के बारे में अगले वाले लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि कोई भी नया ड्रग आपने बनाया, अब उस ड्रग को मार्केट में लाना है तो उसको किस तरीके से हमें अप्रूव कराना है, ये सभी के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ड्रग अप्रूवल, ठीक। लेकिन इतना जान लीजिए इसमें रोल क्या होता है इनका, यही रोल होता है कि किस तरीके से दवा बनाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ मिला करके बना रहे हैं, इसमें कस्टमर कैसे होते हैं, क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, ठीक, सभी चीज़ों के बारे में देखभाल करना, उसका नियंत्रण करना, यही काम यही रोल होता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का, रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट का, ठीक। इनके बारे में आसान तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, 3-4 पॉइंट में आसान तरीके से दिए गए हैं, इसमें आप लोग जो आसान आसान पॉइंट लगे उसको वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। वैसे नोट्स बहुत से ईजी लैंग्वेज प्रोवाइड करूँगा, तो नोट्स आप लोग वहाँ से ले लेना चैनल से। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आपको सभी कंपनियों में जाकर के उनका देखना कि किस तरीके से बना रहे हैं। अगर आप लोग दिमाग लगाइए, मान लीजिए अगर कोई कंपनी गलत चीज़ बना रही है और मार्केट में सेल कर रही है, अब मार्केट में सेल कर रही है तो लोगों पर कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, ठीक, कितने ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे अगर गलत चीज़ों के द्वारा बन रहा है। तो इसीलिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सभी कंपनियों में जाएं, अच्छे तरीके से देखें, पूरा का पूरा डिटेल लें, कैसे बनाया जा रहा है, कैसे डेवलप कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ मिला रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, सभी चीज़ों की जानकारी लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल का, ठीक। तो ये चीज़ों के बारे में बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं पॉइंट, वीडियो को रोक करके पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, वैसे नोट्स मैं दे दूंगा, आप लोग आसान तरीके से वहाँ पे नोट्स डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक। अगले वाले लेक्चर में हमारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, नोट्स वहाँ पे शेयर कर दूंगा आप टोटल और टोटल, वहाँ से वीडियो को रोक करके यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो PDF दे दूंगा वहाँ पे पढ़ लेना। तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, आप थ्योरी ज़्यादा बैठ के पढ़ने चलेंगे, रटने चलेंगे तो आपको कभी भी रट नहीं पाएंगे और याद भी नहीं होगा, ये तो शायद गारंटी दे सकता हूँ, ठीक। लेकिन अगर आप लोग एक बार इसके बारे में समझ गए कि क्या होता है, तो अपने तरीके से 2 पेज 3 पेज 4 पेज 6 पेज बना करके लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक। बस आप लोग को मेन पॉइंट पता चल जाए कि हेडिंग क्या डालना है, क्या क्या करना है, बस वो पता चल जाएगा तो आप लोग लिख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने रेगुलेटरी अफेयर के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलेटरी अफेयर प्रोफेशनल, यहाँ तक पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। अगले वाले लेक्चर में ये स्टार्ट करके टोटल कंप्लीट कर देंगे यूनिट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।